हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक ग्राइफाइसा इन टॉपिक्स है रिक्शिया इन मार्गेशिया लीवर वर्ड्स लीवर वर्ड्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे बेटा, इसमें स्टडी करेंगे रिक्शिया और मार्गेशिया। रिक्शिया एंड मार्गेशिया, बेसिकली इसमें स्टूडेंट होता क्या, हमने ऑलरेडी बताया था कि जो ग्राइफाइट्स होते हैं, ग्राइफाइट्स ये थायराइड होते हैं। थायराइड होने के साथ ही साथ हमने बताया था, थायराइड होने के साथ ही साथ ये कैसे होता है, एम्फीबियस होते हैं और ये बेसिकली ये जो होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं और मॉइस्चराइज कंडीशन में होते हैं। बहुत सारे उसमें जो प्लेस पर साइडिंग प्लेस पर या पर मॉइस्चराइज होते हैं, नमी के पार्ट होते हैं वहां पर सभी पाए जाते हैं। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके, ऑलरेडी हम लोग जो बहुत सारे इसके वहां पर स्टडी किया था फ्यूनेरिया वगैरह का, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग करेंगे बेसिकली जो इसके जो लीवर वर्ड्स में है, इसमें अगर देखा था ये कैसा होता है, ये बेसिकली ये थायराइड बॉडी होता है, थायराइड बॉडी होने के साथ ही साथ यह वेल डिफरें इसके क्या होता है, इसमें इसका बॉडी जो होता है डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जैसे क्या इसके पहले भी अगर पता था कि उसमें क्या होता है कि रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। सो यहां पर भी बेटा कैसा होता है, प्लांट बॉडी ऐसा होता है थायराइड होता, थायरस लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट इंटू स्टेम रूट एंड लीव्स, ये क्या होता है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होते। मोस्टली जो होता है ये भी कैसा होता है, हर्बेसियस होते हैं, या यह कह सकते हैं ये प्लांट बॉडी होता है ग्रीन कलर का होता है, प्लांट बॉडी होता है ये क्लोरोफिलस बॉडी जो होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो क्लोरोफिल के उसमें पाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ जो होता है इसमें बेसिकली जो कंडक्टिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिलस बॉडी होता है, इसके साथ कंडक्टिंग स्ट्रेंथ्स ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। कंडक्टिंग स्ट्रेंथ्स इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि इसके पहले हम लोग जो उसमें थे पढ़े थे तो उसमें कंडक्टिंग स्ट्रेंथ्स पाया जाता था। इसके साथ ही साथ हमें बताया था क्लोरोप्लास्ट बॉडी में जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसमें सम सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, यहां पर इसको ले लेते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फुली एब्सेंट होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो स्पोरोफिटिक फाइबर होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन स्पोरोफिटिक कंडीशन। बाकी और स्टेज में क्या होता है, इसका पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर देखा था जो इसका जो बॉडी होता है, इसमें दूसरा क्या होता है, इलेक्टर भी क्या होता है इसमें, अगर देखा जाता है इलेक्टर्स की कंडीशन होते प्रेजेंट होते हैं, स्पोर आर
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा था ये इसका जो बॉडी में होता है इसका राइजोइड कैसा होता है बेटा, राइजोइड होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर राइजोइड, राइजोइड और यूनिसेलुलर, राइजोइड होता है यूनिसेलुलर होता है। इसके साथ ही साथ कैसा होता है, इसमें यूनिसेलुलर के साथ ही साथ इसमें टू ट्रैक्ट होता है, एक स्मूथ वॉल होता है, आगे हम लोग भी बताते हैं, यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड स्मूथ वॉल इट मींस कैसा होता बेटा, इसमें अगर देखा था जो राइजोइड की कंडीशन, इसमें जो राइजोइड होता ये मान लीजिए ये है, तो ये राइजोइड की कंडीशन होता है कैसा होता है, स्मूथ वॉल होता, स्मूथ वॉल। बट अगर इसी का जो ट्यूबर प्लेटेड में देख लेते हैं तो ये पेग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके इंटरनल पार्ट में वो पेग लाइक होता है, ये होता है ट्यूबर प्लेटेड, ट्यूबर प्लेटेड होता है, ट्यूबर प्लेटेड राइजोइड। ट्यूबर प्लेटेड राइजोइड और ये स्मूथ वॉल राइजोइड, स्मूथ वॉल राइजोइड, ये दो इसके दो तरीके से इसका राइजोइड कंडीशन होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा था बेसिकली अगर हम लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर देख लेते हैं, प्लांट बॉडी में जो होता है हमने बताया कि इसका जो प्लांट बॉडी थायराइड होता है, थायराइड होता है, इस तरीके से पाया जाता है बेटा, इसी में रोजेट लाइक होता है, ये रोजेट लाइक फॉर्मेशन कर देता है, रोजेट लाइक, ये इस तरीके से जो होता है इसमें राइजोइड इसका पाया जाता है, थायरस जो होता है देखा आता है, ये बेसिकली ये होता है इसका रोजेट लाइक प्लांट बॉडी होता है, थैलस लाइक, थैलस लाइक, ये रिक्सिया का होता है, रिक्सिया, रिक्सिया होता है। अब इसके कंडीशन में अगर देखा था बेसिकली जो टू टाइप्स का कंडीशन होता है, होता है कि ये इसका जो फॉर्म होता है रोजेट लाइक होता है, इसमें अगर देखा तो ये एपिकल नॉच होता है, एपिकल नॉच, एपिकल नॉच इट मींस कैसा होता है, ग्रूव्स होता है, ऐसे कटे इसमें जो होता है ये बाइफर्केट टाइप का होता है, टू लोब्स जैसा दिखाई देता है, और ये जो होता है इसके इंटरनल जो सरफेस अगर देखा था ये भी क्या होता है डबल फॉल होता है, इसे कहते हैं रोजेट लाइक, रोजेट लाइक, रोजेट लाइक होता है। इसके सरफेस पर जो होता है ये राइजोइड पाए जाते हैं, अगर इसको देखा था इसके सरफेस पर यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, राइजोइड बहुत सारे इसके पाए जाते हैं, ये राइजोइड का कंडीशन होता है सभी में, ये राइजोइड होता है बेटा राइजोइड, ये राइजोइड होता है। अब इसी के बीच में अगर देखा था ये मिडरिप का भाग सभी में क्या होता है, ये मिडरिप पाया जाता है, मिडरिप, आगे हम इसको देखते हैं दूसरे भाग में। अब ये होता है बेसिकली क्या है, ये राइजोइड होता है। अब इसका दोनों सर्फेस में अगर देखते हैं तो ये टू टाइप्स का कंडीशन होता है, पहला क्या देखते हैं एक डॉर्सल साइड में क्या होता है, डॉर्सल साइड में, दूसरा वेंट्रल साइड में,
अब इसके जो डॉर्सल साइड में लिगुलेट पाया जाता है, यानी यह जो होता है स्केल्स का पार्ट होता है लिगुलेट लाइट। दूसरा क्या होता है इसे, यह लिगुलेट लाइट। दूसरा इसी के पास में जो होता है ये जो बहुत सारे इसका इंटरनल मिडिल भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं बेसिकली जो लीवर वर्ड का जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पहला जो होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, प्लॉन बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लॉन बॉडी में रूट ये नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, ये रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट स्पोरोफिटिक कंडीशन में एब्सेंट होते हैं, बट इसका जो गैमेटोफाइट स्टेम में होता है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके जो गैमेटोफिटिक स्टेम में होते हैं गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। बट एक इसमें और है, इसमें लिख सकते हैं बट गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। इसका साथ साथ होता है कंडक्टिंग स्ट्रेंथ जो होता है एब्सेंट होता है। स्पोर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इरेटर्स, इसमें स्पोरोफिटिक कंडीशन देखा था ये कैसा होता है, ये इरेटर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइजॉइड होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, स्मूथ वॉल होता है और ट्यूबरकुलेटेड होता है। अब इसी के साथ साथ अगर देखते हैं इन दोनों के कंडीशन में, पहला इसका और देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकेंड होता है इसके साथ जो डार्सल सरफेस होता है, डार्सल सरफेस ये कैसा होता है, स्मूथ होता है और एपिकल ग्रुप्स पाए जाते हैं इन डार्सल सरफेस। इन डार्सल सरफेस सरफेस ये कैसा होता है, डार्सल सरफेस हमें बताया कि स्मूथ होता है, स्मूथ हैविंग एपिकल ग्रूव्स। अब इसमें अगर देखते हैं बेसिकली क्या है, इसका जो भाव होता है डार्सल सरफेस में एक ही टू टाइप्स का कंडीशन होता है। अगर देखा था इसका प्लॉन बॉडी जो होता है डार्सल सरफेस के लिए ये होता है बेटा। अब इसमें जो होता है ये मिडरिब का पार्ट होता है, इसका भाग होता है या ये भाग होता है मिडरिब का, और ये इसी के सरफेस पर लिगुली स्केल पाया जाता है इमार्जिनल सरफेस पर, ये स्केल्स होता है। इसमें होता है लिगुली स्केल एट मार्जिनल, ये जो होता है मार्जिन सरफेस पर पाया जाता है। अब इसके साथ ही साथ बेसिकली ये जो होता है हमने बताया था ऑलरेडी, इसको बताया कैसा होता है, ये एपिकल नॉच होता है, यानी ये बायलोब्स की कंडीशन होता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया कि ये इसे हम क्या कहते हैं, एपिकल नॉच कहते हैं या डाइकॉटमसली ब्रांच भी कह सकते हैं। इसी का जो वेंट्रल सरफेस देख लेते हैं डार्सल वेंट्रल में, वेंट्रल सरफेस का ये होता है बेटा, ये होता है डॉर्सिवेंट्रल। इसका अगर देख लिया था बेसिकली हमने बताया कि डाइकॉटमसली ब्रांच इसे कह सकते हैं, एपिकल नॉच का कंडीशन होता है इसे हम डाइकॉटमस ब्रांच, डाइकॉटमसली ब्रांच टाइप का होता है। बस ये क्या होता है, ये बेसिकली कैसा होता है, ये डाइकॉटमस ब्रांच के लिए उसमें भाग होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, दो लोग के रूप में दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें बताया कि ये डार्सल सरफेस स्मूथ वॉल होता है, वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, यूनिसेलुलर राइजॉइड होता है वेंट्रल सरफेस,
यूनिसेलुलर होता है। अब इसमें देख लिया था बेसिकली हमने बताया कि इसका जो वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, यूनिसेलुलर लाइक, यूनिसेलुलर लाइक। किस तरीके से इसका कंपोनेंट होता है। अब यहां पर हम लोग दूसरा देखते हैं बेटा, जो इसका जो इंपॉर्टेंट होता है इन रिक्सिया, रिक्सिया हमने बताया कैसा होता है। रिक्सिया बेसिकली हमने अलग अलग इसको बताया था, इसमें बहुत सारे स्पीशीज बताया था, रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस और रियला। ये अगर ये तीनों के हम देखते हैं तो ये अलग अलग, ये एक तरीके से एक्वाटिक लाइफ, यानी ये तीनों हम कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अब अगर देखें तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो होते हैं, स्क्लेट जो होते हैं रिक्सिया फ्लूटेंस में, वो जो एक स्पीशीज होता है रिक्सिया फ्लूटेंस, इसमें जो होते हैं राइजॉइड एब्सेंट होते हैं, इसका जो होता है राइजॉइड कैसे होते हैं, ये बेसिकली रिक्सिया फ्लूटेंस में ये राइजॉइड बोस्ट हाई जैसे एब्सेंट होते हैं, इसमें राइजॉइड की कंडीशन नहीं होती है, यानी ये यूनिसेलुलर लाइक इसमें नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए हम बेसिकली हम अगर सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काटते हैं तो इसके सेक्शन में कैसा होता है, सेक्शन काटने के बाद कैसा होता है उसको दिखाया, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेक्शन काटने पर अगर इसे सेक्शन काटते हैं तो कैसा दिखाई था, सेक्शन काटने पर इसका जो मेन कंपोनेंट होता है बेटा, इसके देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये हो गया बेटा, इसको राइजॉइड होगा, ये राइजॉइड का पोर्शन होगा, राइजॉइड ये कैसा होता है, बहुत टाइप का होता है, देखा था इसी में स्मूथ भी होगा, स्मूथ हुआ एंड ट्यूबरकुलेट यानी पेग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका ट्यूबरकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका जो इंटरनल होता है वो पेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा क्या होता है, इसी के भाग में अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका जो इसको बेसिकली जो स्पोरोफिटिक कंडीशन में अगर देखा जाता है, थायरस के बाद जो प्लांट बॉडी में ही होता है, इसका फोटोसिंथेटिक जोन पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक जोन होता है, और उस फोटोसिंथेटिक जोन में क्या होता है, ये फिलामेंटस बॉडी होता है, फोटोसिंथेटिक जोन होता है जिसमें एसिमिलेटरी पिगमेंट्स या एसिमिलेटरी फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं, एसिमिलेटरी फिलामेंट्स। अब इसके कंडीशन में अगर देखते हैं दूसरा, इसमें होता है पैरेन्काइमेटस सेल होता है, पैरेन्काइमा सेल का पार्ट होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ भाग होता है इसमें। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं रिक्सिया का, तो उसके बाद बता रहे हैं इसमें पैरेन्काइमा सेल का पार्ट होता है, और इस कंडीशन में अगर देखा जाता है इसमें ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस पार्ट है बेटा, यूनिसेलुलर फिलामेंटस पार्ट,
किसी के इंटरनल जीत में क्या पाते हैं, अगर देखा था इसमें आर्चिगोनिया का पार्ट होता है, इसमें अगर देखा था ये आर्चिगोनिया का पार्ट होता है आर्चिगोनिया, और दूसरे सर्फेस पर क्या होता है इसी में ये एंथ्रीडियल पार्ट होता है, एंथ्रीडियल पार्ट, ये एंथ्रीडिया का पार्ट होता है। ये इंटीग्रल पार्ट होता है। अब यहां पर देखते हैं ये कैसा होता है, अपर सेल होता है इसका, ये अपर सेल कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ये होता है एसिमिलेटरी फिलामेंट होता है, एसिमिलेटरी फिलामेंट, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के तरह इसका फूड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर इसको कंपैरिजन कर सकते हैं तो ये जैसे पेरिगोनियल लीफ होता है ब्रैडफाइट्स में, उसी तरीके से यहाँ भी फंक्शनिंग करता है, इसी तरीके फंक्शनिंग करता है। इसके साथ क्या किया था इसमें, ये आर्चिगोनिया का पार्ट होता है, आर्चिगोनिया का, आर्चिगोनिया, इसके साथ ये क्या होता है, ये एंथ्रीडिया का पार्ट हो गया, एंथ्रीडिया, ये जो होता है एंथ्रीडिया के साथ ही साथ दूसरा अगर क्या गया था ये एयर फोर्स पाया था, इसका जो कंडीशन होता है ये एयर फोर्स होता है या एयर फोर, बीच का जो इंटरनल जो लोएस्ट पार्ट होता है इसे एयर चैम्बर भी कह सकते हैं, एयर चैम्बर, एयर चैम्बर भी होता है इसमें, इंटरनल पार्ट को एयर चैम्बर कह सकते हैं। अब इसका जो दूसरा होता है ये हो गया वॉल ऑफ कैप्सूल, इसको कहते कहता है वॉल ऑफ कैप्सूल, ये वॉल ऑफ कैप्सूल हो गया, वॉल ऑफ कैप्सूल के साथ साथ देख देते हैं ये पैरेन्काइमेटस हाइपोड, इसमें पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ कलरलेस पार्ट होता है, कॉर्टिकल जो होता है ये कैसा था पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल, ये पैरेन्काइमेटस सेल होता है, पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ पैरेन्काइमेटस सेल होता है। इसके साथ साथ ये राइजोइड का पार्ट हमने बताया। अब स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमने बताया कि ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, इसे क्या कह सकते हैं इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया रिक्सिया का। अब हमें क्या होता है कि बेसिकली अगर इसमें देखते हैं कि यह जो होता है अगर सेक्शन काटते हैं इसका रिक्सिया के प्रोथायस का, वो क्या होता है लोअर सरफेस में राइजोइड का कंडीशन पाया था, राइजोइड के बाद जो होता है ये एक तरीके से इसका एपिडर्मिस के तरह का फंक्शनिंग करता है, इसी से लगे हुआ क्या होता है राइजोइड होता है। राइजोइड मैंने बताया कि टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ वॉल होता है दूसरा ट्यूबरकुलेटेड होता है। स्मूथ वॉल में अभी भी हमने बताया स्मूथ वॉल में कैसा होता है ये जो राइजोइड होता है बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, कैसा होता है इतने सेलुलर टाइप, बट ट्यूबरकुलेटेड में, ट्यूबरकुलेटेड में पेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से पेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्यूबरकुलेटर होते हैं, ये पेग लाइक होते हैं, ये पेग लाइक होते हैं, ये स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल और ये ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड ये दो हो गए ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वॉल, इन बिटवीन द टू एसिमिलेटरी फिलामेंट मेल फिलामेंट एंड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स या मेल क्रोमेटोफोर बॉडी पार्ट जो होता है इसके एंथ्रीडिया के फॉर्म में डेवलप होते हैं प्रेजेंट एंड इन बिटवीन एसिमिलेटरी फिलामेंट आर्चिगोनिया आल्सो प्रेजेंट। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये क्या होता है हमने बताया कि ये आर्चिगोनियम होते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं एग का,
एक का फॉर्मेशन करते हैं, बट एंथ्रीडिया जो होते हैं क्या होते हैं, ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने इसका बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमेशा अगर देखा जाता है, अगर इसका देखा जाए प्लांट बॉडी के अगर स्ट्रक्चर में, प्लांट बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी टू टाइप का होता है, या इसको ऐसे देख लेते हैं, प्लांट बॉडी ये होता है एक प्रोड्यूस करेगा मेल मेल गैमेटोफाइट, ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट, मेल गैमेट दूसरा क्या करेगा ये फीमेल गैमेट, ये दोनों कैसे होते हैं ये आपस में फ्यूज करेगा, यानी ये कैसा प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ये कैसा होता है बेटा, ये हैप्लॉइड टाइप का होते हैं, हैप्लॉइड टाइप का होता है सॉरी हैप्लॉइड, एंड देन हियर क्या हो जाएगा ये जायगोट बन जाएगा, ये कैसा होगा डिप्लॉइड टाइप का, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा या स्पोर बनेगा, ये आ जाएगा स्पोरोफिटिक कंडीशन में स्पोर, और स्पोर के साथ साथ क्या होता है ये फर्स्ट प्रोसेस होता है स्पोरोफाइट्स का, अब स्पोर्स क्या होता है ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के साथ साथ क्या होता है ये फिर गैमेटोफाइट में आ जाता है, जब ये स्पोरोफिटिक कंडीशन होता और फिर ये इस तरीके से जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट और फिर ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें से अगर देखा जाता है स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इसमें दोनों की दोनों साइड में दोनों तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, दोनों तरीके से फॉर्मेशन होता है, यहाँ इसका जो सबसे जायगोट के बाद जो होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद जो होता है अब इस कंडीशन में अगर देख जाता है जायगोट के बाद इसमें स्पोर कर सकते हैं या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं एम्ब्रियो भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो और फिर इसका स्पोर क्या होता है, और स्पोर के कंडीशन में स्पोरोफिटिक कंडीशन जो होता है ये अलग अलग भाग में होते हैं। अब अलग अलग भाग का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में अगर देखते हैं बेसिकली जो जर्मिनेट होता है अगर इसके स्पोर में इस कंडीशन में फ्यूनेरिया में अगर देखते हैं जो फ्यूनेरिया होता है यानी मास में क्या होता है फूट पाए जाते थे, फूट सीटा और कैप्सूल, बट यहां पर क्या होता है बेटा ये दोनों एसेंट होते हैं, मार्गेंसिया में फूट सीटा एसेंट होते हैं कैप्सूल पाया जाता और ये कैप्सूल जो होता है ये किसका होता है इसको फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से ये प्लांट इसका जो होता है ये प्लांट बॉडी से इसमें हमेशा क्या होता है फूट सीटा कैप्सूल से जो फॉर्मेशन होता है स्पोर का, एम्ब्रियो से क्या होता है बेसिकली जो स्पोर लाइक जो होता है ये फॉर्मेशन होता है फूट सीटा कैप्सूल का, और ये फूट सीटा कैप्सूल के साथ इसमें स्पोर स्पोर और ये जर्मिनेट होता है जर्मिनेट। तो ये अलग 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 प्लांट बॉडी में अलग अलग इसका भाग पाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, हमने बताया कि प्लांट बॉडी होता है, प्लांट बॉडी में ये कैसा होता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनेगा, जायगोट के साथ साथ इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो जो होता है ये आगे चल करके ये यहां पर अगर देखें ये स्पोरोफिटिक होता है, ये कंडीशन जो होता है बेसिकली ये कंडीशन जो होता है ये डिप्लॉइड टाइप का होता है, ये टू एन होता है इधर हैप्लॉइड टाइप का होता है, हैप्लॉइड
ये 2m होता है, ये हैप्लॉइड होता है, यानी ये स्पोरोफिटिक कंडीशन होता है, स्पोरोफाइट, ये क्या होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट्स क्या होता है, हमेशा इसके बारे में बताया कि जो फ्यूनेरिया में जो होता है स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, ये डोमिनेंट टाइप का होता है, तो फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, रिक्सिया में ये चीज नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से जो होता है इसकी लाइफ साइकिल चलती है, मेल गैमेट जायगोट होता है, ये मेल फीमेल मिलता है, फ्यूजन होता है, गैसेस होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनेगा, इसके साथ साथ जो होता है ये कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, कैप्सूल बनेगा, यहां पर कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल में कैप्सूल, और ये स्पोर बनेगा, स्पोर से जर्मिनेट होकर के इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, हाँ? तो ये बेसिकली कैसा होता है, ये फर्स्ट इसका जो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, पहला जो होता है गैमेटोफाइट, देन स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, एक दूसरे से अल्टरनेट करते रहते हैं, पहले प्लांट बनेगा, फिर स्पोर बनेगा, फिर ये प्लांट बनेगा, तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ इसका चलते रहता है, इसलिए इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये इसका कंडीशन होता है। अब हमने बताया था स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, सेक्स आर्गन कैसे होते हैं इसमें, अगर इसका बात कर लेता है प्लांट बॉडी में, इसमें सेक्स आर्गन कैसा, तो ये इसका देखा जाता है सेक्स आर्गन रिक्सिया में, ये कैसा होता है मोनोस्पोरस टाइप का होता है, मोनोस्पोरस टाइप, सेक्स आर्गन रिक्सिया मोनोस्पोरस टाइप, ऐसे कर सकते प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया आर मोनोइसियस टाइप, मोनोइसियस टाइप, इट मींस यहां पर मोनोइसियस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल जो होता है एक ही ब्रांच पर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल एक ही सेम पाए जाते हैं सेम प्लांट पर, बट रिक्सिया फ्लुइटेंस ये कैसा होता है, ये डाइसियस टाइप का होता है, डाइसियस टाइप, इसमें क्या होते हैं मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं रिक्सिया और मार्के इसमें जो होते हैं और सभी स्पीसीज में केवल इसमें जो होते हैं रिक्सिया फ्लुइटेंस में सेपरेट होते हैं, बाकी सभी में कैसा होता है ये मोनोसियस टाइप होता है, केवल रिक्सिया फ्लुइटेंस जो होता है ये डाइसियस टाइप का होता है। अब इसका जो होता है बेसिकली जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप टू स्पोरोफाइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है जायगोट डेवलप टू स्पोरोफाइट एंड ड्यू टू दिस टाइम, अगर देखा होता है दूसरा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप, जायगोट डेवलप स्पोरोफाइट, जायगोट डेवलप स्पोरोफाइट, हमने यहां पर देखा क्या जायगोट जो होता है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कर देता है। अब दूसरा ऐसे ही साथ साथ क्या होता है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर टेक प्लेस, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ
डेथ एंड डीके, डेथ एंड डीके, ये जो होता है अधिकतर क्या करता है, डेथ और डीके होने के बाद ऑफ साइलस इसके साथ ही साथ क्या होता है एंड बाय विंड एंड वाटर, बाय विंड एंड वाटर डिस्प्लेसिंग इसका जो था ये जो होता है वाटर और इसके विंड की हेल्प के सहायता से क्या होता है इसका स्प्लैश हो जाता है, मिल जाता है और इसके साथ इसका ये फ्यूजन होता है। तो ये बेटा इसका जो होता है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये रिक्सिया का पार्ट था। एक शॉर्टली हमने इसको जो आउट जो एक्सटर्नल हमने बताया था इम्पोर्टेंट फीचर ये रिक्सिया का हमने बता दिया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ साथ मार्केशिया का बात कर लेते हैं। मार्केशिया में सेम इसी तरीके से रिलेटेड दूसरा होता है इसका मार्केशिया, मार्केशिया देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका सेकंड पार्ट है इसका मार्केशिया। मार्केशिया मार्केशियम क्या होता है सेम इसी तरीके से होता है। इट इज आल्सो लिवर वर्ट, इट इज ऑल्सो लिवर वर्ड बट हाईली डेवलप टू रिक्सिया। ये रिक्सिया से जो था मैक्सिमम डेवलप होता है, ये रिक्सिया से ज्यादा डेवलप होता है। दूसरा क्या होता है थैलस जो होता है इसमें थैलस ग्रीन होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, रिबन लाइक होता है, रिबन लाइक होता है, डाइकाटमस ब्रांच होता है, डाइकाटमसली ब्रांच होते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बॉडी के ऊपर होता है ब्रांच होता है, प्रोस्टेट होता है, इसके साथ जेमा कप प्रेजेंट होता। ये इंपॉर्टेंट होता बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कई बार तो पूछा हुआ मार्केशियम पाया जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये पूरे फाइट्स में वाली मार्केशियम में ही अवेलेबल होता है। लिवर वर्ड्स आल्सो जेमा कप भी आल्सो प्रेजेंट इन मार्केशिया, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट। इसके साथ साथ जो होता है एट डॉर्सल सर्फेस जेमा कप इज प्रेजेंट, जेमा कप प्रेजेंट इन डॉर्सल सरफेस डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली विच हेल्प इन द वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है। और ये क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में जेमा कप क्या करते हैं मेन थ्रोम्बोसिस से
डिसोसिएट होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं डिसोसिएट होकर के, तो ये भी एक प्रकार का पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका वेंट्रल सरफेस स्मूथ वॉल होता है और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड, इसमें दोनों तरीके क्या होते हैं, इन वेंट्रल सरफेस, इन वेंट्रल सरफेस स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड। इसमें भी कैसा होता है, सेम लाइक दिस रिक्सिया, रिक्सिया के तरीके से इसमें भी कैसा होता है, बेसिकली इसमें भी ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसका जो होता है देखा आता है इसकी जो प्लांट बॉडी की अगर बात करते हैं, यह ट्यूबर लाइक होता है, रिबन लाइक प्लांट बॉडी, टू टाइप्स के कंडीशन में होते हैं इसको, ये भी होता है बेटा, इसमें अगर देखा जाता है प्रोसेस ऑफ आर्चिगोनियन, इसमें होता है ये जिमा कप होता है, ये राइज वाय राइज वाइट जेमा कप, यह हो गया एंथ्रेडियो फोर, एंथ्रेडियो फोर, यह होगा आर्की गोनियो फोर, ये एपिकल नॉच होता है, एपिकल नॉच होता है। इसके साथ साथ इसमें जो राइजॉइड होता है, अगर देखा जाता है राइजॉइड भी टू टाइप्स के होते हैं, सेक्शन इसका देखते हैं, जिमा कप के साथ साथ अगर देखते हैं जो डॉर्सल सरफेस में, डॉर्सल सरफेस की अगर बात करते हैं तो ऐसा होता है, यह होता है जिमा कप हो गया। इसके साथ साथ दूसरा इसमें हमें होता है ये डॉर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस पर इसका इसमें देखा होता है जो लिग्यूली पाए जाते हैं, टू टाइप्स का होता है लिग्यूली, स्केच होता है एक, ये होता है टू टाइप्स के स्केच होते हैं, फर्स्ट होता है अपेंडिकुलेट स्केच,
अपेंडिकुलेट स्केल प्रेजेंट नियर मार्जिन मार्जिन, ये अपेंडिकुलेट जो स्केल होता है ये मार्जिन के साइज में क्या होता है ये सिचुएटेड होता है, जबकि सेकेंड होता है लिगुलेट टाइप स्केल, कैसा होता है लिगुलेट टाइप, ये मिडिल से साइज में होता है लिगुलेट टाइप, लिगुलेट टाइप जो होता है ये मिडिल साइज में होता अपेंडिकुलेट, इसमें टू टाइप्स का डाइवर्स होता है, एक होता है अपेंडिकुलेट दूसरा होता है लिगुलेट, टू टाइप्स का इसमें इसके पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलस का जो होता है इसका राइजॉइड हमने बताया था कैसा होता है, वेंट्रल सरफेस पर स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड भी पाए जाते हैं। दूसरा होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं ये भी बेसिकली सेम तरीके से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिडर्मल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें राइजॉइड का पार्ट होता है राइजॉइड, राइजॉइड होता है हमने बताया, इसमें भी राइजॉइड कैसा होता है दोनों टाइप का होता है राइजॉइड, टू टाइप का होता है स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड होता है। इसके साथ साथ इसमें भी जो होता है बेसिकली पैरेन्काइमल सेल का पार्ट होता है, पैरेन्काइमल सेल का ये होता है पैरेन्काइमा सेल का पार्ट होता है, और इसी के भाग में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब इसमें देखा जाता है बेसिकली ये एयर स्पेस होते हैं,
ये बेसिकली इसको देखा था, ये एयर स्पेस होता है, एयर पोर, एयर पोर होता है, इसमें ये एयर चैम्बर होता है, एयर पोर, एयर चैम्बर, इसके साथ ही साथ देखा जाता है स्केल्स पाया जाता है, ये स्केल्स का पार्ट होता है, स्केल्स, स्केल जो होता है इसके, ये डेड पार्ट होता है, लेकिन इसके बॉडी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये जो होता है ग्रीन फिलामेंट होते हैं, ये होता है ग्रीन फिलामेंट, ग्रीन फिलामेंट, ग्रीन फिलामेंट होता है। ग्रीन फिलामेंट के साथ ही साथ देखा था अपेंडिकुलेट स्केल्स भी पाए जाते हैं, देखा था इसके साइड में अपेंडिकुलेट स्केल, अपेंडिकुलेट स्केल, अपेंडिकुलेट स्केल, इस तरीके से इसका इंटरनल पार्ट होता है। अब ये जो होता है इसी के पार्ट में जो होता है जो मेल का, मेल और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। अब इसी के साथ साथ देखा जाता है जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है एसिमेट्रिक पावर के साथ है, ये स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस, ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस, स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस के रूप में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो देखते हैं जो सब्जेक्ट जो होता है ये कैसा होता है, ये ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन स्पार्ट होता है, इसमें क्लोरोफिलस पार्ट होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होते हैं, यानी यह देखा था जो क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन में आते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक जोन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ये ब्रांच होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, ये ब्रांच कैसा होता है, ये ब्रांच होता है, और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच और मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसके साथ ग्रीन होता है, इसे एसिमिलेटरी जोन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी जोन, ये फूड फॉर्मेशन में, फूड सिंथेसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये कैसा होता है, ये फोटोसिंथेसिस में ये ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें देखते हैं जो बेसिकली मार्केशिया कैसा होता है, ये डायसिस प्लांट होता है, मार्केशिया हमें होता है, मार्केशिया कैसा होता है, मार्केशिया डायसिस प्लांट, डायसिस, मार्केशिया आल्सो ये डायसिस प्लांट, बट इन रिक्सिया, रिक्सिया मोनोइसियस प्लांट, यहाँ पर क्या होता है, ये मेल जो होता है एंथ्रेडियोफोर का फॉर्मेशन करता है, फीमेल आर्किगोनियोफोर का, और आर्किगोनियो में अगर देखा जाता है बेसिकली इसमें 9-5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये जो फिंगर ये होता है बेटा, इसमें कैसा होता है, ये 9 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 9 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, 9 ये फिंगर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऐसे आर्किगोनियम में। इसके साथ ही साथ ये जो होते हैं बेसिकली इसमें भी जो फॉर्मेशन होता है सेम कंडीशन में, ये भी जो होता है एंथ्रेडिया जो मेल गैमेट का डेवलप करता है, और आर्किगोनियम जो होता है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से दे फर्टिलाइजर, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड टाइप, इट इज आल्सो लाइक हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नेचर, कैसे होते हैं इसको देखिए, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी टू टाइप्स का होता है, डायसिस प्लांट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट,
मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के साथ यहां पर जो फॉर्मेशन होता क्या था, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन ये होता फर्टिलाइजेशन, जायगोट ये डिप्लॉइड बन जाएगा, जायगोट के साथ साथ जो डेवलप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन के साथ ही साथ दूसरा जो होता है इसका जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट, और जर्मिनेट करने के साथ ही साथ जो होता है बेसिकली एम्ब्रियो के साथ साथ ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में आता है, स्पोरोफाइट का डेवलप करता है। यहां पर ये कैसे होते हैं, फूड सीटा कैप्सूल, यहां पर स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में एक किसके फॉर्म में होता है स्पोरोफाइट, कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, कैप्सूल के फॉर्मेशन के साथ साथ अगर देख लेते हैं ये जो होता है स्पोर फॉर्मेशन करता है, स्पोर, और स्पोर के साथ ही साथ क्या होता है, ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है और जनरेट करके प्लांट बॉडी का बनाता है, प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर देता। अब यहां पर ये कंडीशन जो होता है बेटा, इसकी जो देखते हैं, ये बेसिकली ये कंडीशन होता है डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड होता है ये कंडीशन होता है हैप्लॉयड कंडीशन, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन होता है स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट होता है, और दोनों की कंडीशन में क्या होता है, यहां पर भी देखते हैं, पहला जो होता है यहां पर भी गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट, पहले ए स्टेज बनेगा, दूसरा ए बनेगा, और एक दूसरे पर ये अल्टरनेट करते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये हो गया बेटा मार्केशिया का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसके साथ साथ हम कुछ मासेस की बात कर लेते हैं बेटा, अगर देख लेते हैं, एक पॉइंट छोटा सा छूट गया था, इसमें हम मास की बात कर लेते हैं। बेसिकली ट्रू जो होता है एक ट्रू मास, इसमें भी अगर देखते हैं एक टू टाइप का होता है, इसमें देखिए एक पॉइंट छूट गया था, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं पहले क्या होता है मासेस, ट्रू मासेस क्या क्या होते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ट्रू मास, ट्रू मासेस में कार्ड मास को हम कहते हैं ग्रीन मास, कार्ड मास, इसे इसका नाम होता है ग्रीन मास, ग्रीन मास कहते हैं ये, सेकेंड होता है इसका ब्लैक मास को, ब्लैक मास, दूसरा होता है ब्लैक मास, ब्लैक मास, इसे कहते हैं ग्रीमिया, ग्रीमिया जो होता है ये स्पीसीज, ये क्या करता है ब्लैक मास होता है, ग्रीमिया के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार का पूछा हुआ पार्ट है, दूसरा नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट होता है टफ मास, टफ मास, पिट मास,
टफ मास पिट मास बॉग मास बॉग मास ये किसे कहते हैं स्फैग्नम स्फैग्नम को कहते हैं टफ मास पिट मास बॉग मास स्फैग्नम को क्या कहते हैं टफ मास पिट मास बॉग मास इसके साथ साथ होता है ट्विस्टेड मास ट्विस्टेड मास टार्टुला टार्टुला जो होता है ट्विस्टेड मास होता है टार्टुला टार्टुला जो होता है ट्विस्टेड मास होता है इसके साथ साथ होता है मेडन हेयर मास मेडन हेयर मास ये बोलते हैं इसे कोगोनेटम को कोगोनेटम कोगोनेटम को कहते हैं मेडन हेयर मास कह सकते हैं इसके बाद हेयर कैप मास हेयर कैप मास पॉलीथ्राइकम को कहते हैं ये कहते हैं बेटा पॉलीथ्राइकम 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 को हम क्या कहते हैं ये हेयर कैप मास कहते हैं पॉलीथ्राइकम को हेयर कैप मास कह सकते हैं इसके ग्रेनाइट मास एंड्रिया एक स्पेसिस होता है ग्रेनाइट मास ग्रेनाइट मास ये इसका होता है एंड्रिया इसे एंड्रिया 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 को कहते हैं ग्रेनाइट मास एंड्रिया को क्या कहते हैं ग्रेनाइट मास कह सकते हैं रोज मास इसके साथ होता है रोज मास रोडोब्रियम इसके साथ होता है रोज मास रोडोब्रियम रोडोब्रियम क्या होता है ये रोज मास से लगता है रोडोब्रियम रोडो आर एच ओ डी ओ बी आर वाई एम रोडोब्रियम रोज मास टीडियम को कहते हैं फीडर मास फीडर मास पी आई टी टीडियम टीडियम होता है फीडर मास कहते हैं इसे कहते हैं फीडर मास टीडियम को हम क्या बोलते हैं फीडर मास बोलते हैं टीरियम जो होता है फीडर मास करते हैं इस तरीके से बेटा जो होता है आज हम लोग बेसिकली जो पूरा ब्रायोफाइट्स का जो टॉपिक को हमने कवर किया अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे अब आप लोग इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से पढ़ करके इसको सिर्फ जो इसका नोट बनाते जाइए और जो प्रॉब्लम होता है आप इसको इनबॉक्स में जरूर लिखिए और ध्यान से सीरियस होकर के पढ़िए और जो डाउट होता है उसे पूछते रहिए तो आज का टॉपिक था ब्रायोफाइट खत्म हुआ बेटा है हम फिर इसको जो नेक्स्ट होता है हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे थैंक यू बेटा